तो अलिया को इस आलिया को मत करना चाहिए। और आखिर में हम ये बहुत वादे अल्फाज में कहते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, उसकी लोगों को बनाने वाली है, और ये भी गवर्नर हाउस के सामूँ इन मौजूद आयो इतने जो है कौम परस्त गरियल पार्टियन पारा सिंध के बेटन से जो वफा कब्जो किया है उनके करो एहतजाज या धरणो हूँ वेठा अचो तो उन्होंने का पुछू इन मकसद है जी। ॾिसो अॼु जो ही एहतजाज सिंध तरक़ी पसंद पार्टीअ तरफ़ां आहे ऐं हिन एहतजाज में तव्हां ॾिठो हूंदो त सभिनी कॉम्प्रेस जमायतुनि आम सिंधी माण्हू असांजो अदीब असांजो लेखक हिते गॾु थियो आहे गवर्नर हाउस ॾाढो ऐं यकीननि हीअ जेके नारा लॻनि था ऐं हर माण्हू जी आवाज़ आहे त वफ़ाक जेको बदमाशी करे पियो ऐं सिंध जे ज़मीननि ते अंदाज़ सां ग्वालार करे पियो जेको ॿेटनि ते कब्ज़ो करे पियो ऐं धरती धरणी जे जेके आवाज़ खे अहमियत कोन था ॾियनि त यकीननि सिंध जो माण्हू सम्झे थो त सवाइ असांजे एहतजाज असां वटि ॿियो को रस्तो कोन थो बचे। इन एहतजाज जे करे इन्हनि गोगनि अंधनि ऐं ॿोड़नि हुकुमरान खे ॿुधाइण जे लाइ हीअ अॼु सिंधी ते गॾु थिया आहिनि त हीअ सिंध दुश्मन पॉलिसियूं ख़तमु कयो, हीअ ॿेटनि तां कब्ज़ो फौरी तौरु ख़तमु कयो, हीअ सिंध जेके ज़मीनुनि ते तव्हां वलार कया जेके कब्ज़ा खोरी कया इन्हनि तां कब्ज़ो ख़तमु कयो। ॿी सूरत में सिंध जो माण्हू हीअ धरती धणी हीअ क़ौमी वर्कर हीअ सियासी कारकुन सरापा एहतजाज बणंदा ऐं सिंध हिकु तहरीक जो नालो आहे ऐं यकीन जॾहिं सिंध में तहरीक उभरंदी तहरीक पैदा थींदी त पोइ यकीन हुकुमरान खे फ़ैसिला तब्दील करणा पवंदा। असां हीअ घुर था कयूं त वफ़ाक नफ़रत जा बुनियाद न रखे। पहिरें ई सिंधी माण्हुनि जे अंदरि में तमामु घणो क्रोध मौजूदु आहे, पहिरियां तमामु घणी कावड़ आहे ऐं उनखे वधीक अञा जेको आहे शिदत ॾियारण जी कोशिशि कनि था। इन जे करे हीअ जेके करप्ट हुकुमरान ही जेके कब्ज़ेखोर हुकुमरान आहिनि हीअ करप्ट हुकुमरान आहिनि, गैर चूंडियल नुमाईंदा आहिनि, हिननि खे कंहिं बि सूरत ते आवाम कोन चूंडियो आहे। जिन ताक़तुनि हिनखे ऐवान ते पॼायो आहे इनखे होश खां कमु वठणु खपे। जेकर इन्हनि सिंध दुश्मन पॉलिसियूं सिंध दुश्मन फ़ैसिला तब्दील न कया त यकीन सिंध जो माण्हू न सिर्फ़ु इन गवर्नर हाउस जो आॾो पर सॼी सिंध में एहतजाज कंदो ऐं कंहिं बि सूरत में हिननि जेका ग़लति फ़ैसिला उहो कोन क़बूल कंदो। मां सम्झां थो त हीउ जेको ॿेटनि ते कब्ज़ो आहे इहो 2006 खां वठी इहा साज़िश सिंध जे ख़िलाफ़ु थिए पई। वफ़ाक चाहे पई त उहो जेको आहे जीवणी ऐं ग्वादर खां वठी बदीन ताईं सिंधी समुंड ते जेको आहे कब्ज़ो करे सिंध ऐं बलूचिस्तान जे ॿेटनि ते कब्ज़ो करे हे रुगो डिंगी ऐं भंडार ॿेटनि जो मसइलो न आहे पर 300 अहिड़ा ॿेट सिंधी समुंड में मौजूदु आहिनि जंहिं ते कब्ज़ो करणु था चाहिनि ऐं मां सम्झां थो वफ़ाक सिंध हुकूमत जी ख़ामोशी कोन्हे का। सिंध हुकूमत NOC ॾिनी आहे हूअ बि बराबरि जी शरीक आहे। जेकॾहिं RFLV ऑर्डिनंस जारी कयो आहे त सिंध हुकूमत बि NOC जारी कई आहे। उनजे करे अहिड़े क़िस्म जा जेके एहतजाज थियनि पिया अॼु STP जेको एहतजाज कयो आहे या एक्शन कमेटी पहिरीं नवंबर ते एहतजाज रखियो आहे, 25 अक्टूबर ते सखर में बबरलो बाईपास ते जसकम में एहतजाज रखियो आहे। उन्हनि एहतजाजनि में घटि हीअ ॻाल्हि वाज़े करणु खपे त असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PTI जी हुकूमत खे हिकु जेतिरो सिंध जे ख़िलाफ़ु साज़िश में शरीक सम्झनि। ॾिसो असांजो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे त सदर जेको ऑर्डिनंस जारी कयो इहो नाजाइज़ आहे, ग़ैर आइनी आहे, ग़ैर क़ानूनी आहे ऐं सदर खे इहो ऑर्डिनंस फौरी वापसि वठे। असीं पाकिस्तान जा शहरी आहियूं ऐं सिंध असांजो मादरे वतन आहे ऐं इन मादरे वतन जी जाग्राफिकल हदुनि में ख़ुश्की ते या समुंड जे अंदरि जेको कुझु आहे उहो सिंध जी मिल्कियत आहे। हिकिड़े ऑर्डिनंस जे ज़रिए वफ़ा खे कब्ज़े करण जो को इख़्तियार कोन्हे ऐं हुननि जो मक़सदु इहो आहे त हिते डेवलपमेंट थिए, माण्हुनि जी आबादकारी थिए, माण्हू आबाद थियनि ऐं पोइ जेको आहे उहो ही सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करे ऐं सिंध जो दाइमी कब्ज़ो वठी छॾनि। असीं चऊं था त सिंध असांजी माउ आहे, असीं कंहिं बि सूरत में इन्हनि खे इहो कब्ज़ो करणु कोन ॾींदासीं।
इनके पाकिस्तान के हलो तो ऑर्डिनेंस वापस वो पीपल्स पार्टी दगा पी करें पीपल्स पार्टी सिंध से दगा पी करें लालच के कर इन सबबन के कर इन कर डिघे वक्त तीन जदोजद हलंदी महीना लगन साल लगन असं हलाइंदी इंशाल्लाह इन के नतीजे तक पुजाइंदी इन के यो वापस वो जे एडा सारा मू इत गद सिंध के गुट गुड़ में उनको मुतालबो है तो जो सदारती आर्डिनेंस आंदो वो है जजीर से सिंध के जजीर से विकरण के लिए या उन कब्जे के खिलाफ ही मू इत गद सभी की यही डिमांड है तो यो जो सदारती आर्डिनेंस है वो वापस वरतो वे उनका अलावा सिंध की वहदानियत से जैसे को भी वार करे तो और सिंध के जमीन के कब्जे की गाल करे तो सिंध के टोड़ने की साजिश करे तो सिंध जो हर मानू उनको भरपूर जवाब दी सिंध जो हर मानू हाँ सुजाग है सिंध जो बार बच्चो वड़ा नंढा औरतू सब जेके सिंध के राइट्स के लिए न सिर्फ हाँ सोचे सकन था गाले सकन था विढ़ी सकन था जैसे यो सिलसिलो सिंध के हकन की लताड़ जो बंद न कयो वियो सिंध जो हर मानू सिंध जो हर बार सिंध की हर माँ सिंध जो हर मर्द हर पोड़ो जो रोड से ही छो जो सिंध असि माओ है सिंध से को भी वार जो है वो बर्दाश्त न कयो वियो वफाक के शायद यह गाल जेल में वेझी वही तो सिंध तो उन्होंने फतेह कल इलाको ये गाल आई को चाली में बराबरी के तौर पर बिरादरी के तौर पर पाकिस्तान में शरीक थे अस उन मल भी वाजे जुटे नमूने से सिंध वतन जहा मालिक सिंधी हैं बाजार का वही कोशिश कन था फकत पैसों खातिर असकी धरती के जो है दुनिया के बारे कंपनी वे विकन था पर खेल खबर घुर्ज तो सिंध जो मानू जेल चुनता है रूप की धरती जो इंच भी जो है कें पसंद को कें भी सूरत में कें भी हवाले से उन लातालुक चुप कर वेहो ये जदोजहद शुरू थी चुकी है अज मुजाहरो वरी पहली तारीख इतने सही सिंध जो सियासी पार्टियां गद गवर्नर हाउस जो धरना हणंदियों वजीर अला हाउस जो धरना हणंदियों जदोजहद मुस्तकिल ओसि जारी रखे जेस तीन माना खामोशी बिल्कुल उनको लेटर लिखो उन जाहिर है बिल्कुल सिंध जो सिंध की गवर्नमेंट है इन सजे खुदे कारोबार में मुलवस रही है उन्हीं के करे जेस तीन एहतजाज जो तालुक है तो सजी सिंध में एहतजाज थन पी पार्टियां पैं पैं हिसाब से सिविल सोसाइटी जो तंजीमू एहतजाज कन पं पर सभी इन गाल मुतफिकन ती आर्डिनेंस गैर कानूनी गैर आइनी है इनके रद्द कर वे बेट सिंध की मिल्कियतन इन करे उवे सिंध में जे मानू जे मर्जी का सवा मलान जे मर्जी का सवा उनते कें किस्म की अदावत जी असं मुखालफत हूँ अस मुतालब यो करूँ तो बेटन से जो आर्डिनेंस आंदो हो उनके रद्द कयो वे बेट मुआन की मिल्कियत उन बाकायदे कानून साजी कर उनके मालिकियत हक वो दिना वन बाकी ही जो ऐसो सजी सिंध उछली पी है अज डॉक्टर साहब वन ऐलान किया उनमें समूर पार्टियां सिविल सोसाइटी समूरा मानू उनमें शरीक अड़े तरीके से हाँ ये तहरीक उठी पी है तो सिंध में हाँ कल असो जामशोर में सिंध एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई उनमें जो फैसलो थो है तो बेटन के हवाले से जो तहरीक हलंदी जो भी एहतजाज थो उन में समूर पार्टियां शरीक थन्दू उन में कें किस्म को फर्क को हों 15 तारीख से असं समूर में रैली पाया कढ़ूँ जो भुंडार बेट से वेंदी उन सो असो पे तारीख से इन ही जाए थे वो धरणो हणंदी इंशाल्लाह सजी सिंध में एहतजाज सिर्फ एक ही मैसेज दे तो एक ही पे वफाक ने मोकले तो तवी बालादस्ती है तवी सिंध से बिछो मयार है उनके असि मुकम्मल तौर पर रद्द क्यों था सिंधु धरती जरती जो वसीला बेट गैस बिजली पानी जो भी है सामुंडी पट्टी वह सिंध की मिल्कियत है कें भी कीमत से असं पाँच सामुंडी पट्टी खास तौर पर बेट वगैरह तो कें भी सूरत में हथ न खड़ी अवान जो आर्डिनेंस है वो जो खैर आइनी गैर कानूनी तौर पर जो सिंध के मथा एक मड़ो
सदियों वो है सिंध जो आवाम सिंध जहाँ सियासी समाजी सजावंद मुकम्मल तौर पर उनके रद्द करन था जैसे तुम हि आर्डिनेंस वापस न वो तो हि जदोजहद हि तहरीक हि सिंध जगह अज निकरी चुकी है या अना वसी तादाद में निकरी इंदी है तवा के खास तौर पर ऐवान में वेहण को दी जो अज हि गवर्नर हाउस के आडो जो है ये एहतजाज थी रो है इन एहतजाज में सिर्फ एक ही मैसेज है गवर्नर जो है सदारती आवीन आर्डिनेंस जो है वो वापस वो न वो तक ताकत में तवे सामू बी रही पर हि ती बालादस्ती हि ती बदमाशी हि तुम बिचो मयार कबूल न कंदी वफाक पारा जो बीहर सिंध से बेटन से कब्जो करे थी उन सिंध हुकूमत भी बराबर की शरीक है तो इनमें कहो कसूर मुझे नालो सिंह नवाज गांगरो है मैं यूथ एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन आया 172 आर्टिकल के तहत दिखो वे तो वफाक को भी हक न तो पहुंचे तो सिंध के वसील सिंध की जमीन सिंध के शहर सिंध के पेटन से धाड़ा आने उन कब्जा करे उन सिर्फ सिर्फ सिंधी मानू जो हक है सिंध गवर्नमेंट जो हक है पर अफसोसनाक गाल है तो पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट हमेशा सिंधी मानू का पैसा घाटी कई आ गद्दारी कई आ वफाक से मिली कर भाईवार हमेशा रही है असा सिंधी सिंध असेंबली सिंध गवर्नमेंट का यह अपील क्यों था यह मुतालबो क्यों था बल्कि जल्द का जल्द करादा पेश कर वे इन ऑर्डिनेंस के रद्द किया वे न सिंधी मानू मजामत कर जान था उन हमेशा मजामत कई है मुशरफ के टाइम से भी ज़िया के टाइम से भी अयूब के टाइम से भी हाँ भी मजामत कह पे वसीलन की बचाव पे वजूद के बचा लाए महरबानी फारूक तुम दोस्तन जी तुम मुझे समझे हर सिंधी मानू इन रैली का वाकफ है ये सिंध जो है सिंध जहाँ जो बेट हैं उन्होंने कब्जे करण की जो है वफाक जी एक रात के पेट में आर्डिशन एक पास कर असाजे पाकिस्तान के सदर जो है कें विकायान उन सिलसिले में यह एहतजाज है तुम ठो ये एहतजाज एस टी पी के तरफा है बहरहाल सब सियासी समाजी वर्कर इनमें जो गडन वो यो घुर कन यो सिंध मिल्कियत है इन जे भी माना कानूनी हक सिंध जो है सिंधियन जो है उनके खातिर ही एहतजाज है तवे सामू जो सब अदीब दानश्वर इन मौजूद हैं अस भी उन सिलसिले में इतने मौजूद आयो गवर्नर साहब के हाउस के सामू एहतजाज किया वफाक जो सिंध से कब्जो है उन खिलाफ़ सिंध तरक्की पसंद पार्टी जो है सजी सिंध जो सर्द है जैमें सजी सिंध जहा सुजाग दोस्त सियासी समाजी सब तंजीमों गड अज ही जो मैसेज वे थी वफाक दे उनके सोचण खपे तो हि मैसेज जो है उनके लिए मौत है इन लो जो किबलो दुरुस्त करें अकाउंट के जो एहकाम जारी क्या और जो सदर पाकिस्तान एक आर्डिनेंस पास किया फौरी तौर पर उनके वापस वो वे न तो हि जे लखन के तादाद में अ कटे थे ये हर सूरत में पी सिंध जो डिफेंस कर जानन था कंदास असो यो ही मतलब जो आर्डिनेंस रात के उंदाई में जारी थो यो आर्डिनेंस वापस किया वे सिंध जे भी बेट या सिंध जे भी वसायल सिंध की जी जमीन है सब जी सिंध की मिल्कियत उन वफाक नाजायज कब्जो करना चाहे थी जैसे अस मुजम्मत करूँ उन सबई गई तुम ठो तो असा इतने गवर्नर हाउस से मौजूद आयो इत जो वफाक बेटन के मथा सिंध के बेटन के मथा जो कब्जो किया है इतने तमाम कांग्रेस पार्टियन एहतजाजन रैली कढ़ी एहतजाज कर रहा है फारूक भंगवार सोच टीवी कराची।